पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सटारा विच नेम अजकल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस बस खाना गुना खा के सब करके घर निकल रहा हूँ। नींद तो पूरी नहीं हुई है, घर जाके सोऊंगा यार। अगर चल पहले घर पे पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद सो जाएंगे, है ना। क्योंकि यार देखो गाइस, यहाँ नींद नूंद तो पूरी हो नहीं रही, तो चलो घर पे चलते हैं। और बारिश रुकी नहीं रही है भाई, पिछले 3 दिन हो गए हैं बारिश रुकी ही नहीं रही है। सुबह 5 बजे देख लो तो ये माहौल है, दोपहर को देख लो तो ये माहौल है, शाम को देख लो तो ये माहौल है। सेम मौसम है गाइस, बस दिन हो रहा है रात हो रही है, समझ रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ घर पे, पार्टी बहुत बढ़िया होगी गाइस, बढ़िया होगी। कल मेरा जिम भी स्किप हो गया गाइस, नहीं जिम तो कर लिया था मैंने कल, यस आज का स्किप हो जाएगा क्योंकि मैं सो जाऊंगा जाके अब। चलो फिर घर पे जाके मिलते हैं गाइस, अभी तो इतना ट्रैफिक हो रखा है यहाँ, क्या बताऊँ मैं। चलो मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। नहाया बिल्कुल नहीं हुआ, कल सारी दिहाड़ी समझ निकल गई। डाइट आपकी काफी खराब हो जाती है कई बार ऐसे बर्थडे फंक्शंस पे, ना। चलो कोई गल नहीं, एंजॉय भी करना जरूरी है गाइस। सबको नहीं बोल सकते कि आप नहीं खाते नहीं करते क्या, कुछ नहीं। अब जो माहौल है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तीन दिन से बारिश गाइस रुकी नहीं रही है। जो अपना पीछे वाले इलाके हैं सारे, उधर वाली साइड्स अपने कह लो गोरेगांव मलाड ये वो, वहां पे तो कहते हैं पानी पुनी भर गया। मैंने भी ऑनलाइन देखा, मैं खुद तो जाके देखा नहीं, मैंने भी ऑनलाइन ही देखा गाइस। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक रात पूरी पार्टी करी और फिर उसके बाद अगले दिन पूरा सोए हो और कुछ ना किया हो, समझ रहे हो। कहीं भी नहीं गए हो, कहीं भी कुछ नहीं किया है ना, समझ रहे हो। कल तो मैं घर वालों से भी नहीं बात करी यार, मैं तो सो गया। एक मौसम ठंडा हो रखा है भाई, और ऊपर से थकावट, ऊपर से जिम करा हुआ था, सारा कुछ बच्चे ही आ गया। और बताओ गाइस की नवीनताली है। अभी बस जल्दी से मुझे नहाना है, नहा के फिर निकलना है, मिल के आना है, फिर आऊंगा घर पे, फिर सामान लेके जिम का फिर जाऊंगा गाइस। करके आने वाला काम मिलते, अभी ब्लॉग भी एडिट करना है गाइस। पहले मैंने सोचा था कि बाहर बाहर से ही वो काम करके आ जाऊं, लेकिन फिर बाथरूम वगैरह भी जाना था, नहाना भी था, सारा कुछ करना था। मैं कहा पहले यहां से बिल्कुल फ्रेश होके ही चलते हैं, अभी बाहर कोई दिक्कत नहीं अपने को चाहिए। और बताओ गाइस क्या नहीं दादी है। मेरे हिसाब से वहाँ पे भी पंजाब में भी पता नहीं मानसून चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, पता नहीं मुझे, अब कोई इसकी नॉलेज तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 हफ्ते से बारिश नहीं पड़ी, और मतलब 3 दिन से इतनी तेज बारिश पड़ने लग गई है। यहाँ पे एक बात तो मैं समझ गया, जब तक आपके पास छत वाली पार्किंग और ड्राइवर नहीं है, आप काली गाड़ी तो यहाँ रख ही नहीं सकते। काली गाड़ी के लिए पूरा एक बंदा चाहिए उसको संभालने के लिए गाइस। सफेद का इतना बुरा हाल होता है यहाँ बॉम्बे शहर में, तो काले का क्या हाल होगा, समझ रहे हो। देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन
काला रंग संभालना बहुत मुश्किल है बॉम्बे जैसे शहर में भाई। और फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर बड़ी गाड़ी रखी जाए तो उसको संभाला कैसे जाएगा, एक तो जगह नहीं, फोन की मेमोरी भर गई थी गाइस, तो फिर वो पुराना ब्लॉग डिलीट करके, मतलब वो जो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई थी वो डिलीट करके फिर से शुरू करा। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।